patients have been treated only by stimulation of vagus nerve through hypnosis. मैंने अपने नोट्स निकाले थे पुराने जो मेरे टाइम पे बताए गए थे, तो मैंने कहा आज वो सारे नोट शेयर करना है। आज चारू नहीं आई क्या? सर चारू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर है हल्का और थोड़ा सा उसका लूज मोशन हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बेटा जब ये वर्ड फाइल में तैयार करो तो देख लेना थोड़ा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि मैं वो मैं कर रही हूँ ठीक। हाँ वो मैं क्या टाइप करने में हो सकता है वो मैं ठीक कर, गलत हो जाए है ना। हाँ जी सर। अभी कितने पेजेस हो गए अंदाजन? बताते हैं सर आपको अप्रोक्सीमेट। हाँ बता। हाँ दो तीन में देखो, एक से एक, एक से निकाल के दो तीन में डिवाइड करके डाल सकते हैं जो हमें सीओ का। वर्मा अंकल भी आ गए, अरुण वर्मा। हाँ विवेक भाई सब भी आ गए सर। अभी मेरे 25 पेज हुए हैं, बट उसमें अगर मैं सेटिंग करूंगी तो और बढ़ जाएगा। हाँ अभी आज और कल का डालना रह गया है। हाँ मैं क्या सारा कवर करता जा रहा हूँ, पार्किंसन जैसे कवर किया है ना, आई एम कवरिंग एवरी डिजीज, क्योंकि हिप्नोसिस का हर बीमारी में रोल है। क्या अब यस सर, नमस्ते अंकल। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, मैं बालकनी में बैठा हुआ था, आठ बजे ने सोच लिया था, तभी लगाया तो देखा तुम्हारा आया था कॉल। आप ग्रुप पे वो पढ़ रहे हैं कि नहीं जो मैटर हम डाल रहे हैं डॉक्टर साहब? गुड मॉर्निंग सर। हाँ पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट सर। हाँ आज आज वेगस, आज वेगस नाव के ऊपर जिक्र करना है। वेगस नाव हैज अ वंडरफुल रोल इन ट्रीटमेंट। बस लोगों को क्या है उसकी उपयोगिता नहीं मालूम है वेगस नाव की। मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले सारे। अच्छा हाँ मैंने कहा काफी मैटर भी, हाँ मैंने वेगस नाव पे काफी मैटर भी डाला है, हाउ टू एक्टिवेट वेगस नाव फॉर अ गुड हेल्थ। क्योंकि नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। हेलो अनीता, स्टार्ट करें बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:10। हाँ हाँ बिल्कुल, आप शुरू करिए, नहीं तो फिर आगे हमको परेशानी आएगी। तो मैं आज का अपना विषय है वेगस नर्व। द वेगस नर्व इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट स्ट्रेच फ्रॉम द ब्रेन स्टेम डाउन इनटू द कॉलम, कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ आवर मेजर ऑर्गन्स। It is a wonder nerve because of the crucial role it plays in our well-being. When this nerve is stimulated, it activates our body relaxation response to help deal with stress and a wide range of other conditions. It plays a huge role in the mind and body connection, and hypnosis is one of the easiest way to stimulate, rather to activate it. What does the vagus nerve do your nervous system? What does the vagus nerve do? Your nervous system is divided into two parts, sympathetic and parasympathetic. The sympathetic part increases your heart rate, breathing, blood pressure, alertness and energy level when needed, while the parasympathetic decreases them. The vagus nerve operates mainly within the parasympathetic nervous system, linking major organ activities to the brain. Its major function are sensory, spatial sensory, motor and parasympathetic. It plays very crucial role for the well-being, communication with various organs by sending our signals using the neurotransmitter, which is known as acetylcholine. आवाज आ रही सबको? सबको दिख रहा है? ये तो
किसी का बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है, टीवी या रेडियो का है? अपने पर्पल कलर का इसका रेडियो नहीं, किसका साउंड आ रहा है अनीता बैकग्राउंड में? पीछे से किसी का चालू है अनीता, किसका चालू है? देखो मनीष, आ गया आ गया आ गया, थैंक यू। हाँ वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसी अंजू? मैं ठीक हूँ सर, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बराबर सुनाई दे रहा है। सॉरी मैं बीच में बोलती जा रही थी, मेरे को लगा कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं 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 बेटा, वो तुम्हारी आवाज आ रही थी, बिकॉज टुडे दैट इज वेगस नाउ, वेगस नाउ वंडरफुल रोल, बट वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर हाउ टू एक्टिवेट वेगस नाउ, एंड इफ एनीबॉडी कैन लर्न टू एक्टिवेट वेगस नाउ, ही कैन win in curing from headache to cancer. So vagus nerve, beta, vagus nerve plays crucial role for the well-being, communication with various organs by sending out signals using the neurotransmitter which is known as acetylcholine. These signals are vital in order to keep our body working properly. If your brain was unable to communicate with your lung, then you would not be able to breathe. While the sympathetic nervous system controls the fight or flight response, sending out stress-releasing hormone like adrenaline and cortisol, so you can take action. The vagus nerve does the opposite, helping you get rid of stress and remain calm. Like it can control the excess production of cortisol and adrenaline. The more you do to stimulate or activate the vagus nerve, the more relaxed and less stressed you are. You'll feel that what happens when people meditate or chant mantras. पहले क्या होता था बेटा, मंदिर में लोग भजन कीर्तन करते थे, मंत्र का जाप करते थे, प्रेयर करते थे, तो इनडायरेक्टली their vagus nerve used to stimulate. So their breathing rate synchronizes itself to an optimum level that activates the vagus nerve and promote relaxation. Actually, the all role is of breathing. Conditions affected positively and negatively by the vagus nerve, while stimulation of the vagus nerve is thought to be good thing like any other part of the human body, it can also malfunction. If that happens, it can result in a variety of different issues such as fainting, obesity, difficult swallowing, gastrointestinal disease, B12 deficiency, seizures, epilepsy. On the other hand, vagus nerve stimulation has their ability to improve certain conditions including cancer, Alzheimer disease, anxiety disorder, heart diseases, migraine, tinnitus, poor blood circulation. Deep breathing has long association with relaxation. Deep breathing leads to relaxation and it stimulates the vagus nerve. Hypnosis is the only method, rather a great way to stimulate the nerve and contribute to your overall health and well-being. But very few people are aware. The way hypnosis works is that it bypasses the conscious mind and communicates with the subconscious mind. Tap into the power and you open a portal to infinite possibilities. Brain research scientists recently believe that vagus nerve is a kind of communication superhighway, rather linking the conscious and the subconscious mind. Under hypnosis, patient is advised to focus on their breathing and getting them to relax. Then the person's breathing should become slower. It is the kind of breathing that will help to stimulate the vagus nerve, and stimulation is possible after activation of vagus nerve. From there, you will communicate with the subconscious mind. So it is a link
by planning hypnotic suggestions, because now main job is to communicate between the conscious and the subconscious mind, that can only help those suggestions to grab or foothold. Your hypnotic suggestion have as much impact as possible. So whenever we do meditation, if you take your patient in hypnotic trance, don't worry ki if patient doesn't go in hypnotic trance or somnambulism stage, let him be in cataleptic or lethargic stage, the effect of your suggestion will be the same. आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया. इट इज योर सजेस्टिबिलिटी विच बिकम्स एसेप्टिविटी व्हेन पेशेंट अचीव्स व्हेन पेशेंट डोंट डिस्टर्ब व्हेन पेशेंट अचीव डेप्थ ऑफ साइलेंस इन थॉटलेस कंडीशन. Whatever it is suggested, it is accepted by the mind. Many hypnotherapists says that only in third stage, only in somnambulism stage, the healing will take place. No, I don't agree, because in my last 50 years, I have not waited for trance for third stage. I have, the moment patient has closed his eyes after taking 3 deep breaths, I develop rapport, and when I develop the rapport, whatever I suggested, his mind accepted, and the changes took place accordingly. So, in the most important is when you condition anybody's mind, you start your suggestion that now I would like to have stimulation of vagus nerve. And this stimulation of vagus nerve will restore the functioning of kidney. One suggestion to be given at the time. You cannot give number of suggestions. If your focus is on kidney, to improve the functioning of kidney, your stimulation of vagus nerve should be focused only on the kidney. Let kidney improve first, then you give suggestion for pancreas. And if there is no balance, if the vagus nerve is overstimulated, so many diseases will take place. So you have to balance the vagus nerve by your positive affirmations. Tell the patient, on your mental screen, your vagus nerve is very much relaxed by your slow breathing. And as your vagus nerve is relaxed, is balanced, the functioning of pancreas is improving. Improving means the beta cells in the pancreas will be regenerated, will produce insulin, and very soon you will be a non-diabetic patient. And give compliments. Depends to yourself. See a mirror, you will congratulate yourself that yes, I am a non-diabetic patient now. You have to give this compliment before you achieve cure, because it is a nature of subconscious mind. If you use a conviction, is conviction, cure is cure. If this message goes to your subconscious, you have reversed your pancreas, you have reversed your diabetes. So during sleep hours, your subconscious mind will govern autonomic nervous system, and through autonomic nervous system, it will have control on pancreas through vagus nerve. Natural stimulation will take place, and beta cells will start manufacturing insulin, because you have brought a positive image on the screen of your subconscious mind that you have reversed diabetes. If there is a
epileptic attack, if there is fainting, if there is seizures, tell the patient, as your vagus nerve is getting balanced, see on your mental screen the electrical circuit is becoming normal. Circulation in the brain is improving. And the most important, whatever the factors responsible in the past for the onset of epileptic attack or the seizure or the convulsion, you are very happy that you could overcome from that negative effect. Rewiring is taking place. Neurons are regenerated. Functioning of brain is improving. These are the positive affirmation which you should use in a monotonous voice. Don't give gap. Don't give longer pause, because your subconscious mind follows better if the affirmations are monotonous. Like, this should be the way. I'm very happy to see you very relaxed. Your breathing is normal. You are very confident to see the regeneration of cells taking place in the brain, rewiring. Neurons are getting regenerated. Blood supply is normal. And you have gained the same potential of your brain as before. Whatever you are suggesting in a monotonous voice, the brain acceptivity, implement accordingly. That is very important. If you give longer pause, the conscious mind may deliver some negative suggestion telepathically to the subconscious, because there is a connection. Constructive connection with the subconscious, destructive connection with the subconscious. When we are thinking for well-being, for self, simultaneously we are thinking for illness also. And we are more confident for a thinking of illness rather than for a thinking of wellness. Because from the beginning, when we were not educated, we saw illness more. We are not aware for the wellness. We are more confident for the illness. We have seen number of heart attacks. We had a message in our mind of heart attack. We saw many cases getting convulsion, getting epileptic attack, getting fits. So all these diseases happened before our eyes. They all have taken place in our subconscious. They are lying dormant. But the moment, if you give pause during positive affirmation, if a negative suggestion enters in your subconscious will implement. The results will not be as per your expectations. So it should be monotonous. As you are breathing, you feel so relaxed. And this relaxation is making you more and more happy, because on your mental screen, there is regeneration of neurons taking place. And this regeneration of neurons, improving circulation, bringing a thought, a positive thought, that now you are on the path of speedy recovery. See, all those situations we used to trigger the effect of epileptic attack in the past, you are very happy to see now you are able to overcome, because your immunity has increased, your resistance power has increased. So the way you use suggestion, your suggestion should give a commanding, it should be in a commanding way. And when you give in a commanding way, subconscious love when somebody orders, because subconscious knows, being illiterate, that those order, they are only very close to me. Those request, they cannot be true for me. So whomsoever I have treated in the past, I had a command like a military officer, like a military general.
and the results were far better. But in the beginning, when I used to request, my voice was not commanding, it was requesting. Aap so jaiye, aapko bahut halkapan lag raha hai. The results were not as per my expectation, because our subconscious mind work like a genie and your conscious mind is Aladdin. Aladdin, genie expect order from Aladdin. Genie at his fingertips, genie never told, you request me. He told Aka, order me, what I can do for you. Similarly, our subconscious mind follows better if you command, if you order. And don't think, I have treated cases who were illiterate, who have not passed even sixth class. A patient came with 500 blood sugar. Anita told me, Daksab, how you will give suggestion regarding pancreas? He is not aware about the body organs. I said, I want to see a miracle. Don't think you are literate. Our conscious mind is literate, but subconscious is more literate than our conscious mind. If you got BA degree, subconscious is PhD, because that subconscious mind is 90%. And whenever the power is 90%, education is not considered, experience counts. So as far as the power of subconscious is concerned, the experience is important. So I told that gentleman that there is an organ inside your body. That organ is known as pancreas. So jab main kahunga ki tumhara aur wo yahan pet mein is jagah hota hai, jab main kahunga yahan par harkat ho rahi hai, तो तुम हरकत महसूस करना, हरकत का मतलब समझे कि नहीं? तो बोला हरकत का मतलब हिलना। मैंने कहा बस सोचना वहां पर कुछ हिल रहा है, और जैसे ही उसको ट्रांस में ले गया, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो ट्रांस में भी नहीं जा रहा था, बार बार आंख खोल रहा था। यानी तो बोली इसका इलाज कैसे होगा? मैंने कहा डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ये सोच के आया है कि मुझे इलाज डॉक्टर खेतावत से करना है, डॉक्टर खेतावत ही मेरी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, मेरे लिए इसका इतना ही विश्वास काफी है। आई डोंट नीड अदर ऑपरेशन, मैं इसकी खुली आंखों से इलाज करूंगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द मिराकल विच अनीता एंड अदर माय सीनियर थेरेपिस्ट हैव ऑब्जर्व। बार बार आंख खोल रहा था, डर रहा था, उसको लग रहा था कि डॉक्टर साहब कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। जिस ढंग से मैं उसको बोल रहा था ना, मेरी आंखों की तरफ देखो, उसको लगा कुछ तंत्र मंत्र करना है। मैंने कहा तेरे को ठीक होना है ना, एक 10 मिनट के लिए जैसा बोलता जा, सुनता जा और महसूस करते जा। तो वो करता गया, मैंने उसको बोला तेरे पेट में हरकत हो रही है, पेंक्रियाज में वाइब्रेशन आ रहे हैं, हरकत हो रही है, हरकत हो रही है, हरकत हो रही है, इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, जो दवा तू बाहर से खाता है उसका असर अंदर हो रहा है। देख तूने वो दवा खाई और वो दवा इतनी पावरफुल है कि तेरे पेंक्रियास में इंसुलिन बनना शुरू हो गया। एक महीने के अंदर उसका ब्लड शुगर 500 से सीधा 140 पर आ गया, उसकी इंसुलिन जो थी 40 यूनिट से हम सीधा 10 पर लेके आ गए, और उसके बाद में वो टेबलेट पे आ गया, वेट टेबलेट पे आ गया, और आज उसको 5-10 साल हो गए, इज फ्री फ्रॉम डायबिटीज, इज नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। क्योंकि मैंने उसको ये कहा कि तू मीठा भी खाए तो उस समय याद मत कर कि मैं तो डायबिटिक हूं, मैं मीठा खा रहा हूं, मेरी ब्लड शुगर बढ़ेगी। तू ये सोच के खाना कि मैं किस्मत वाला हूं, भगवान ने मुझे डायबिटीज जैसे रोग से बचा के रखा है। तो हमारे वर्ड्स दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करके काम करना शुरू कर देता है। सर अंजू जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ जी पूछो बेटा, आप पूछो। सर ये पूछना था कि ये जिस पेशेंट का आप बता रहे हैं, वो पहले 1-2 दिन में ही आंखें खोल के उसने किया, बाद में तो बंद कर रहा होगा ना? हाँ बाद में बंद कर रहा था, तो अनिता ने एक काम और किया, उसके आंख पे पट्टी बांध दी। अनीता ने कहा कि ये आपका डॉक्टर साहब टाइम वेस्ट कर रहा है,
तो अनीता ने उसकी आंख पे पट्टी बांध दी, बोले ताकि आंख के सामने अंधेरा रहेगा तो अपने आप ही बंद कर लेगा। तो 5-7 दिन उसके आंख पे पट्टी बांध दी, 8वें दिन से आंख अपने आप बंद करने लग गया वो। ठीक है, थैंक यू। तो उस हाँ कहने का मतलब ये है कि वो पूरा कॉन्शियस था। बीच बीच में उसको मच्छर काट रहा था तो हाथ से ही खुजालता था, उसके बॉडी में मूवमेंट था, कभी हाथ हिलाता था, कभी पांव हिलाता था। इवन देन ही रिपोर्टेड कंप्लीट क्योर अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिप्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को आप सोमनिबुज्म या थर्ड स्टेज में ले जाएं। हिप्नोसिस के लिए जरूरी है योर एक्सेप्टिबिलिटी, योर सजेस्टिबिलिटी शुड बिकम एक्सेप्टिबिलिटी। और जब आंख बंद करके कोई 3 बार लंबी गहरी सांस लेके आपकी बातों को सुनता है, और इसीलिए हिप्नोथेरेपी में सेशंस में रिपीटेशन बहुत जरूरी है, रिपीट ट्वाइस थ्राइस द सेम सेंटेंस, ताकि पहली बार में फॉलो नहीं किया तो दूसरी तीसरी बार में फॉलो कर ले। तो इस तरह के हमने सभी डिजीजेस, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, जिस पर मैंने हिप्नोसिस अप्लाई नहीं किया है। इवन एक डेफनेस का जो केस था उसको सुनाई नहीं देता था, तो मैंने एक ब्लाइंड को बुलाया, एक दूसरे को बुलाया है मैंने जो जन्म से ब्लाइंड नहीं था लेकिन वो सारी भाषाएं समझता था ब्रेल की और इशारे की। उसने इशारे से उसको, मैं बोलता जा रहा था और वो इशारे से उसको बताता जा रहा था, और वो जो व्यक्ति था जो सुन नहीं सकता था, जो डेफ था, वो हाथ के इशारों से उसने फॉलो करा एंड इवेंट इन द ट्रांस। आई वॉज गिविंग सजेशन ऑन वन साइड एंड ही वॉज मेकिंग एक्शन ऑन द अदर साइड। तो ऐसा नहीं है कि डेफनेस के पेशेंट को आप ट्रांस में नहीं ले जा सकते। थ्रू हैंड एक्शंस यू कैन मेक हिम रियलाइज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। जबकि हिप्नोसिस की कई बुक्स में लिखा है यू कैन नॉट ट्रीट डेफ केसेस। लेकिन मेरा एक सिद्धांत था, मेरे यहाँ कोई भी पेशेंट आता था, मेरे डिक्शनरी में नो शब्द नहीं था। मेरे पास कोई आया है तो पूरे विश्वास के साथ आया, एंड आई हैव नो राइट टू रिफ्यूज। ईश्वर ने उससे भेजा है, ठीक करने वाला ईश्वर है, आई एम ओनली अ मेडिटेटर, व्हाट राइट आई हैव टू रिफ्यूज हिम। और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो मेरी संस्था अकेली क्लेम करती है, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन क्लेम क्योर फॉर दोज डिजीजेस, लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मायोपैथी, न्यूरोपैथी, पार्किंसन, रूटोआर्थराइटिस, दीज आर द डिजीजेस। सर 10 मिनट बचे हैं अब। हाँ, तो इसलिए अब वेगसनव संबंधित और कोई क्वेश्चन हो? राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र? नहीं सर। हाँ बेटा, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वेगसनव स्टिमुलेशन? आपको सब समझ में आ गया? जी जी, आ गया। एक और एक चीज शेयर करो सर, एक चीज शेयर करो और वेगस नर्व के बारे में। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमने सुना होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद स्पेशली इंसान का नेचर बदल जाता है या उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसके पीछे जो साइंस डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एंड बाकी लोगों ने जो शेयर किया है, बिकॉज आवर वेगस नर्व ऑल्सो कैरी अ मेमोरी। सपोज अगर कोई गुनहगार है तो गुनहगार का जो हार्ट है उसमें भी उसके सारे जो क्रिमिनल रिलेटेड जो मेमोरीज है जो अपने सेल्स स्टोर करते हैं वो उसके हार्ट में होते हैं। एंड वंस दिस क्रिमिनल्स हार्ट इज गिवन टू अ नॉर्मल पर्सन, चांसेस आर लाइक 99% की उस हार्ट के जो मेमोरीज है या वेगस नर्व जो अच्छा वाला इंसान है वहां से वो उठाता है, एंड दैट नॉर्मल पर्सन ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग इन द क्रिमिनल वे, या फिर रिवर्स भी होता है, बिकॉज वेगस नर्व इज अ वेरी लाइक अमेजिंग नर्व व्हिच कम्युनिकेट्स विद। वो क्या होता है बेटा, हार्ट इज अ मशीन, हार्ट इज वर्किंग ओनली एज अ मशीन, हार्ट इज स्टोरेज ऑफ ब्लड, व्हाटएवर सेलुलर मेमोरी इज कंसर्न्ड इट इज स्टोर्ड ओनली इन द ब्रेन, in the subconscious mind, and that subconscious mind memory can be transferred to the vagus nerve at the time of transformation. Heart as such has no brain, heart as such has no grasping, retention, recollection ability. Heart is simply sending blood to the organs and to the mind to keep them alive.
no other functioning has been detected by the scientists till today. It is only the mind, it is only the neurons which carry cellular memory, and that cellular memory is being sent to the vagus nerve, and when it is transplanted, that is carried to the other person. So it is through the brain, through the mind. Okay, ठीक है सर. क्यों राजेन, what is your opinion? डॉक्टर राजेन, राजेन सर, राजेन सर, हेलो, हाँ डॉक्टर राजेन, जी जी सर, आप सुन रहे थे कि नहीं हमारे डिस्कशन? मेरे आप कहते तो माइक पंप, हाँ, हार्ट इज लाइक अ पंप. Yes, heart does not carry any memory as far as my knowledge is concerned. Heart is only functioning as a pump. Whatever the memory part is there, it is stored only in the brain, in the subconscious, the cellular part. Yes. And from there, it is being transferred to the vagus nerve. At the time of transplantation. Any other question, Indu? सर, प्रियंका बोल रही हूँ. ये वेगस नर्व अपने कैंसर भी जैसे क्योर करने में कहीं पे यूज हो सकता है? बिल्कुल, हमने किया है. आई हैव क्योर्ड मेनी ब्लड कैंसर पेशेंट्स यूजिंग स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व. वंडरफुल रिजल्ट्स. दी डब्ल्यूबीसी काउंट वॉज 4 lakh एंड विथ इन 3 months आई कुड ब्रॉट टू 40,000 with the observation of an oncologist, Dr. Dwivedi. Dr. Rajendra is very well aware. Dr. Dwivedi is one of the leading oncologists in Indore. He died long back, but he worked with me with Dr. Pandey. Whatever my findings are, they are all scientific. They are being assessed in presence of the doctors before treatment, during treatment, after treatment, with a follow-up of 1 year. And I claim, in whole of India, no hypnotherapist has kept these records to prove subjective and objective changes taking place. That's why hypnotherapy could not come in existence in India, because medical science, medical association, they says that we want documents, we want proof. And I was the only person who presented in the international conference the proof given by the concerned specialist like Dr. Arun Verma. He's here. He has seen a case of retinitis pigmentosa. I told Dr. Arun Verma, please examine this lady. She is not having vision. And he examined, he gave me report in writing. After 1 month, when he re-examined, he certified in writing on his letterhead that she has restored vision. So you have to be very scientific. Simply telling people that you have benefited one patient of BP, no, nobody will agree. It has to be followed by objective and subjective changes with medical doctor's report before treatment, after treatment. I have every patient's file is ready with me. Uncle, आपका mute है. नहीं, आपका mute है uncle. नहीं. तो इसलिए बेटा हर patient का record पूरा रखो. And advice of some. हाँ ये. डॉक्टर साहब आपने वो retinitis pigmentosa का एक case. retinitis pigmentosa के बारे में. हाँ सर, तो उसमें मैंने जो किया था. हाँ. वहाँ मैं ये भी बताना चाह रहा था, बीच में भी फिर आपको बोलने दे रहा था, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. इसमें मैंने DNA stimulation किया था सर. DNA जो होता है ना, इसको मैंने पहले उसको समझाया. He didn't know what is DNA. Doctors जो है ना, जो अलग therapies वाले हैं, उनको नहीं पता है. वो DNA जो है, वो क्या है, एक sketch बना के थोड़ा सा बताना पड़ा. Correct, correct. And she understood that thing. फिर उसको मैंने अब उसको और क्या बता सकता था? मैंने color change. सही है. मैंने कहा देखो ये ऐसा दिख रहा है, इसमें अगर stimulation होता तो ये color आएगा. अपने एक महीने के इलाज के बाद वो अपनी मदर को बिठा के लाई स्कूटी के ऊपर, जबकि उसकी आंखों के सामने इतने धब्बे थे. She was not having light perception before treatment. That was my first thing जिसमें मैंने DNA के ऊपर
वर्क किया था करेक्ट, क्योंकि मैं सोच रहा था हिप्नोसिस अब कर सकता, डीएनए भी क्यों नहीं कर सकता। अच्छा प्रियंका, आई वाज बेटा वेरी लकी कि डॉक्टर अरुण वर्मा वाज वन ऑफ माय टीम मेंबर फॉर 5 इयर्स एट माय इंस्टीट्यूट एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट। सर 2 मिनट बचे हैं, तो नाउ कल वापस इसी वेगस नाउ के प्रैक्टिकल स्टिमुलेशन करवाऊंगा मैं, हो सकता है कुछ लोगों को अनुभूति हो उसके स्टिमुलेशन की। Tomorrow will be the practical part, how we can stimulate vagus nerve under self hypnosis, क्योंकि हमें खुद का भी control आना चाहिए। ठीक है, आज कितने लोग थे अनीता? आज 11 total 11 हैं अब। अच्छा अच्छा, इसका तुमने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मैंने लिया। अरे एक चीज और, हाँ जल्दी पूछो, एक मिनट है। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सकती हूँ? क्यों नहीं पा सकती हो, कल ही करवा देंगे तुम्हारा। एक हंसमुख चेहरे के पीछे गुस्सा कहाँ से छुपा है? पहली बात, पब्लिकली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, आई ऑलवेज एक्सेप्ट, लेकिन आज तक किसी ने नहीं करके दिया। ऐसा है, वो मेरे खाते में था इसलिए किसी ने नहीं किया। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी बेटा, है ना। और वो अगर खत्म हो जाएगा तो ये हंसी बरकरार रहेगी पूरे टाइम, ये रहती है, ये हमेशा ही रहती है। और देखो वेगस नर्व स्टिमुलेशन का एक सब वेगस नर्व स्टिमुलेशन, अनीता मेरे जैसे मुनि बहुत कम है। वेगस नर्व, सुनो, वेगस नर्व स्टिमुलेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है स्माइलिंग, लाफ्टर आल्सो स्टिमुलेट्स वेगस नर्व। जितना हंसोगे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा। ठीक है, कल प्रैक्टिकल करवाएंगे हम। ठीक है सर, थैंक यू। और मैंने अपने थर्सडे फ्राइडे ग्रुप पर कुछ मैटर डाला है विगस नाव का, वो पढ़ लेना। ठीक, पढ़ लिया। यस सर, चलो ओके। नमस्कार सबको, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार, नमस्ते अंकल, नाइट, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाय जी, बाय बेटा। अच्छा लगा? अच्छा, तुमसे बहुत अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन था।